बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्फी भी आप लोग को हेलो और हाय कर रही है, बट गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है तो मुझे कॉपीराइट का क्लेम आएगा, इसलिए मैंने म्यूज़िक की जगह में वॉइस रिकॉर्डिंग की है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, ये वीडियो 1 या 2 मंथ पहले की है। मैंने वीडियो अपलोड की थी बट किसी कारण से मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी। फिर से मैं उस वीडियो को एडिट कर रही हूँ और आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ कि फाइनली हम जा कहाँ रहे हैं वो बताने के लिए। वैसे कुछ लोग जान भी गए होंगे, कुछ लोग को बताना पड़ेगा। तो आइए पहले हम लोग इन्जॉय करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो जा कौन कौन रहा है? अब्बा हैं, हस्बैंड जी हैं, माँ, मैं, मेरे दोनों बच्चे और पीछे। अभी हम जा रहे थे शंकरगढ़ अपनी बड़ी वाली ननंद के यहाँ, तो वहाँ पे शादी का प्रोग्राम है, उसी को अटेंड करने जा रहे थे। और बच्चों की गर्मी की छुट्टी चल रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि आप लोग 2-3 दिन घूम के आ जाओ, इसी बहाने बच्चे लोग भी घूम लेंगे और उन लोग छुट्टी भी इंजॉय कर लेंगे। और इनाया यहाँ पर डांस कर रही थी, क्योंकि गाड़ी में मैंने पहले भी बताया कि म्यूज़िक चल रहा था और वो इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे मैं माँ को दिखा रही थी, माँ, मैं, मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड और अब्बा। तो हस्बैंड और अब्बा दोनों जन आगे बैठे हुए हैं और पीछे एक और भैया थे वो बैठे हुए हैं। हस्बैंड जी हैं ना, उनके दोस्त हैं वो, तो वो भी बैठे हुए हैं। तो हस्बैंड हम लोग को छोड़ के वो वापस आ जाएंगे, इसलिए वो अपने लिए साथ ही लेके जा रहे हैं। मतलब जैसे रिटर्न होंगे तो अकेले हो जाएंगे ना, तो साथ में लेके जा रहे हैं। तो इसी बहाने भैया भी घूम लेंगे जो जा रहे हैं हम लोग के साथ। और इनाया अल्फी को मैंने कहा कि आप लोग को हाय हेलो करने के लिए, तो वो जीप दिखा रही है। देखिए अल्फी का जीप कितना बड़ा दिख रहा है। और इनाया हम लोग को रोड दिखा रही कि रोड में किस तरीके से रोड मतलब अच्छा नहीं है, इसलिए गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रहा है बता रही है। और माशाल्लाह आप लोग जो हमेशा सुनते हैं मेरे मुँह से कि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो सच में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मैं कल यहाँ पे एक जगह घूमने गई थी जहाँ हम लोग टमाटर लगा रहे हैं, वहाँ का मौसम तो इतना अच्छा था, मैं लेकिन क्या बताऊँ, मोबाइल लेके ही नहीं गई थी कि मैं वीडियो शूट करके आप लोग को दिखा पाती। फिलहाल यहाँ रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी रोड को कोड़ के मिट्टी भर दिया गया है, तो जिससे जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ दूर तक मतलब 30-35 किलोमीटर तक तो रोड ऐसा ही है, देख लीजिए इस तरीके से बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। और बारिश आने के बाद तो रोड की हालत ख़राब हो जाएगी, जो मैंने आप लोग को दिखा भी दिया है। लेकिन ये वीडियो 1 या 2 मंथ पहले की है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जून में शादी थी ना, लास्ट जून में वहाँ शादी थी, उसी शादी को हम अटेंड करने गए थे, तब की ये वीडियो है। और अभी जुलाई, हाँ वही 1-1.5 मंथ हो चुका है। तो अभी देखते हैं हम लोग की पहुँचते कहाँ हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ पे मिर्ची तोड़ रहे थे, जितने लोग आप लोग को दिख रहे हैं ना सब मिर्ची तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और अब रोड अच्छी आ गई, अच्छी रोड आई तो वीडियो बनाना तो बनता था कि आप लोग को दिखाना जो है अच्छी रोड आ गई है। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, तो मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो लोग तुरंत सो जाते हैं। देखिए जहाँ गाड़ी स्टार्ट हुई मेरे बच्चे 10 से 15 मिनट ज़्यादा हुआ तो आधे घंटे तक, उसके बाद वो दोनों सो जाएंगे। तो फिर मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि ये खाएंगे, ये लेंगे, ये पहनेंगे, ऐसे बैठेंगे, वैसे बैठेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, डायरेक्ट नींद आई और सो जाएंगे। तो माशाल्लाह ये तरीका उनका अच्छा है। उसके बाद फिर हम अल्फी को सुला दिए, इनाया भी सो गई, तो फिर मैं और माँ कुछ टाइम तक बात किए। उसके बाद पहुँच गए शादी में, और शादी में मिल गया ये देखेगा स्पेशल हो गया इनका। तो आप लोगों ने देखा मेरे अच्छे खासे जो चेहरे का हाल, वो मेरे भांजे ने ख़राब करके रख दिया। कोई बात नहीं, मेरा फेस इस तरीके से दिख रहा था और भांजे ने लगाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लगा ही लो अच्छे से, आपको खुशी मिल रही है तो इसी में मेरी भी खुशी है। और ये है मेरी भांजी, सबसे बड़ी भांजी है, इसको आप लोगों ने वीडियो में बहुत बार देख लिया है। और ये है माँ। तो हल्दी लगने के बाद फेस का हाल कुछ इस तरीके से था, फिर मैंने हटाया भी नहीं।
गांव की शादी का सबसे अच्छा कोई चीज़ लगता है तो वो है मेरे लिए तो वो है चूल्हे पर का खाना। तो ये चूल्हे पर का खाना ये शायद मतलब क्या था, वहाँ पे कुछ और वर्कर्स भी काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी अलग से खाना बनाया जाता है और घर वालों के लिए भी अलग से खाना बनाया जाता है। तो यहाँ थी ये मिक्स वेज बनी थी, आलू बैंगन टमाटर सब डाल के, तो मसाला बहुत अच्छी बनी थी। गांव का जो खाना है वो मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि चूल्हे पर बनता है और इस तरीके के गंज वगैरह यूज होते हैं और वहाँ का जो तेल मसाला है वो बिल्कुल अलग होता है, मतलब हम लोग जो यूज करते हैं ना उनसे बिल्कुल अलग होता है। ये भिंडी की मसाले वाली सब्ज़ी थी और दाल था, चावल था और भी बहुत कुछ था। ये वीडियो शूट मैंने की हूँ, ये मेरी छोटी वाली भांजी फलक वो वीडियो बना रही थी तो उसको जो समझ में आया जैसा समझ में आया उसने वीडियो शूट कर लिया। थोड़ा सा ये कटी हुई प्याज वगैरह सैलेड वगैरह के लिए रखा हुआ था और यहाँ पे शायद दाल वगैरह चढ़ा था, एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता। और यहाँ पे क्या था, ये भी शायद भिंडी वाली सब्जी थी। तो इस तरीके से जो गांव का खाना होता है ना वो बहुत अच्छा होता है और जो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो माशाल्लाह गांव की जब शादियाँ हमें मिलती हैं अटेंड करने के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, कोशिश करते हैं किस तरीके की शादियाँ ज़रूर अटेंड कर लें। तो और यहाँ पे जितनी सारी बर्तन है हमेशा धुल धुल के इसी पे रखी रहती है ताकि धूप से बर्तन सूख भी जाए, अच्छा सा मॉइस्चर उनका ख़त्म हो जाए, इस तरीके से बर्तन को रखते हैं। और सारी बर्तन एक साथ इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि यहाँ पर क्या क्या बर्तन है, क्या क्या यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी, पार्टी कल की थी और ये एक दिन पहले की वीडियो थी, पार्टी कल होने वाली थी और यहाँ पे लग रही थी हमें मेहंदी। तो मेहंदी लगने के बाद का जो प्रोसेस है वो आप लोग को दिखाऊंगी। फिलहाल मेरी भांजी सेकंड नंबर वाली वो मुझे मेहंदी लगा रही थी और मैं बगल में कर रही थी बात। आज अगर आप हारोगे तो रात का पार्टी का खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा क्यों? पर मैं जीतूंगी। अरे हाँ, रात का पार्टी है ना, तभी तो मैं सोच रही थी खाना कैसे नहीं खाने के लिए बोल रहे। जो इसमें हारेगा वो रात को पार्टी का खाना नहीं खाएगा ना, गलत बात है। तो गाइस कमेंट में बताना कौन जीतेगा। चुप रहो, वीडियो बन रहा है। ये दो दोस्त मिले हैं शादी में, मुझे शादी में आई थी ना, वहाँ दो दोस्त मिले हैं, ये दोनों मुझे YouTube चलाना सिखा रहे हैं क्योंकि मुझे YouTube चलाना नहीं आता है। तो गाइस देख सकते हैं कितने प्रो लोग अभी यहाँ पे चल रहा है कि हम लोग ठीक है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि चार लोग मिलकर लूडो खेलेंगे और जो हारेगा वो रात को पार्टी का खाना नहीं खाएगा। पार्टी में आप लोग ये दोनों टीम बना के खेले थे इसलिए जीते, वरना नहीं जीते। फाइनली वीडियो का दी एंड हो चुका है और मैं फर्स्ट आई हूँ। मैं फर्स्ट आई हूँ ना, मैं फर्स्ट आई, सहाना सेकंड आई है ना, थर्ड फोर्थ वाले सेकंड हम आए, सबसे लास्ट चाहिए। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको आप देख लीजिएगा गाइस पीछे कर वीडियो को। ये दोनों अच्छे फ्रेंड मिले हैं शादी में जो मेरे साथ क्या खेले, क्या खेल रहे थे अभी हम लोग, लूडो खेल रहे थे। देख सकते हैं इतने बड़े यूट्यूबर होकर भूल जाते हैं। ये मुझे भुला दे रहा है, मुझे क्या बोलता है, आइए आपको यूट्यूब चलाना सिखाता हूँ, आप बताइए। इसीलिए बैठे हैं यूट्यूब सीखने के लिए। वो पहचानते होगे तो देखो मेरे तरफ से लाइक कर देना और उनको सब्सक्राइबर बढ़ा देना। देखो एक महीना में मैं इनका 2000 तो होना ही चाहिए, 1000 पूरा ऊपर कर दो। मैं अगर आप करवा दिए तो मैं आपको गिव अवे करूंगा। मैं इसको एडिट करते हैं, फट से डालते हैं। अब मैं आ गई थी अपनी बुआ सास के यहाँ, जो बड़ी वाली मेरी बुआ सास है ना, जस्ट बाजी के घर के आसपास में ही रहती हैं, तो वहाँ आ गई थी। और यहाँ मैं आई थी फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे जो पीछे बाड़ी में उन लोगों ने सब्जी वगैरह लगा के रखी थी ना, कुंदरू था और मकई था और भी बहुत सारे फ्लावर वगैरह थे, तो उन सब चीज़ों की मैंने छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना ली आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ भिंडी वगैरह भी था, मतलब यहाँ पे जो घर का लगाया हुआ सब्जी वगैरह था बहुत अच्छा था, एक अच्छा मतलब मुझे इस तरीके का गार्डनिंग करना पसंद है, घर पर भी होता था यहाँ भी करना पसंद है, इसलिए मुझे ये सब अच्छा लगा। और ये बच्चे थे सारे वहीं के
जो भैया लोग हैं ना, मेरे भैया लगेंगे बोलो, उनके सारे बच्चे थे। जब उन्हें पता चला कि ये लोग यूट्यूब चैनल मेरा देखते हैं, तो उन्हें पता है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और यूट्यूब पे आती हूँ। तीनों ये बच्चे और भी बगल में बच्चे थे, उन लोगों ने कहा कि हमारा भी वीडियो बनाइए। मैं बोली ज़रूर आप लोग का भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को भी मैं यूट्यूब पे डालूंगी, तो आप लोग कल अपना वीडियो देख लीजिएगा। बट ऐसा नहीं हो पाया किसी कारणवश, मुझे वीडियो डालने के बाद डिलीट करना पड़ा। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आप बच्चे वीडियो देख लेंगे और इन्जॉय। आज ये लूडो आ रही है, इसको हम लोग खाना नहीं देंगे, इसको मार्केट के लेके जाएंगे। पार्टी में तैयार होने का मौका मिला है खाने का। तो सहाना को खाना क्यों नहीं मिला पार्टी में खाने के लिए, उसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा कि आखिर कैसा ऐसा क्या मैटर था कि सहाना को खाना खाने को नहीं दिया गया। तो इसके लिए आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा फिलहाल वीडियो को। ये मेरी बड़ी बाजी हैं, जो मेरी सबसे बड़ी ननंद है, ये वो है। इनके यहाँ हम शादी पर आए थे और बहुत अच्छा लगा हमें इस शादी को अटेंड करके, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम कहीं आसपास भी जगह पर घूमे वगैरह घूमे, अच्छा लगा, माहौल अच्छा था वहाँ का, बाकी सब कुछ अच्छा था। आप लोग को कैसा लगता है, गाँव का शादी ज़्यादा अच्छा लगता है या शहर का, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे तो गांव की शादी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सहाना को खाना क्यों नहीं मिला शादी पार्टी का खाने के लिए, उसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि सहाना को खाना खाने को क्यों नहीं मिला।